आज बनाएंगे गेहूं के आटे से बिना मशीन के खाखरा, क्रिस्पी इतने कि आपको बेहद पसंद आने वाले हैं। इसके साथ खास एक मिर्च की चटनी बनाइए जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। गुजराती खाखरा सभी को बहुत पसंद आता है, बाहर तो अक्सर मिल जाता है, लेकिन वो कैसे बनाया है, उसमें कौन सा आटा डाला है, मैदा डाला है कि नहीं डाला, ये पता नहीं होता। तो आज बनाइए घर में बिना मशीन के, बिना किसी टेंशन के, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी से खाखरा। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वो भी फ्री में। चलिए देखते हैं इसे हम बनाते कैसे हैं। यहाँ देखिए, मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें कोई मैदा नहीं मिक्स किया है, और स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें नमक। अगर मिर्च आप पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए कलर के लिए, और थोड़ा सा जीरा, साबुत जीरा डाल दीजिए। यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, तवे पर मैंने हल्की सी सेक ली है, इसे क्रश करके डालने से ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। करीब 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल जरूर डालिए, हो सके तो मूंगफली का पीनट ऑयल डालिए, और नहीं तो आप कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप ऑयल की कंजूसी बिल्कुल न कीजिए, क्योंकि जब हम खाखरे पकाते हैं तब एक बूंद भी हम ऑयल यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से डालेंगे तो ये खाखरे लंबे समय तक कुरकुरे बने रहेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अच्छे से मिक्स कर दिया ऑयल को, 3 से 4 टेबलस्पून डाल दिए मैंने। अब इसे पानी से हमें गूंथना है, गूंथते समय आपको इसे थोड़ा टाइट ही गूंथना है। आपके पास मशीन है फिर तो ये बहुत ही फटाफट बन जाएंगे, पर मशीन के बिना भी ये बहुत ही बढ़िया जल्दी जल्दी फटाफट बन जाते हैं, और बिल्कुल गोल गोल भी बनते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। घर में हमें ट्रस्ट होता है कि हमने कौन सा आटा यूज़ किया है, तो उसे खाने में अच्छा भी लगता है। आपको जो मन करे इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं, अचार का मसाला डाल सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब यहाँ बना रहे हैं इंस्टेंट अचार, जिसके लिए मैंने 100-125 ग्राम ले लिए मिर्च। मिर्च आप इससे मोटी भी ले सकते हैं, इसे पतली भी ले सकते हैं, जो काफ़ी तीखी होती हैं, मैंने मीडियम साइज़ के लिए। अब इस मिर्च को पीसेस में कर दीजिए थोड़ा। अब चाहे तो इस अचार को हम पीसेस में ही बनाएंगे, पर एक्चुअल इसको कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसे हम खलबत्ते में कूटेंगे। अगर आपके पास खलबत्ता ना हो तो मिक्सी में डालकर पल्स पे इसे थोड़ा सा दरदरा सा कर लीजिए। मेरे पास खलबत्ता है तो मैं इसे थोड़ा इसी से ही कूट लेती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, इसे तो आप अभी बनाना पसंद करेंगे। जो नींबू हैं 5 मीडियम साइज़ के, इसका मैं रसा निकाल के अलग रख देती हूँ। अब सबसे पहले इस खाखरे के आटे को ज़्यादा रेस्ट न दें और अपन इसे बेल लेते हैं। अच्छे से मसल लिया है, अब छोटी छोटी लोई बना लीजिए। आप सोचते होंगे खाखरे के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाए, जब हर गली हर दुकानों पे मिल जाती है, पर आप खुद बनाएंगे आपको इतने पसंद आएंगे, क्योंकि हमने कोई मैदा नहीं यूज़ किया है। मार्केट में ये लोग मैदा यूज़ करते हैं, जैसे ही हम खाखरा उठाते हैं और वो टूटने लगता है। हमारे क्रिस्पी बहुत होंगे लेकिन उठाते ही टूटेंगे नहीं, ये पहचान है। मैदा ना डालेंगे तो आपको अलग से ही पता चलेगा। अब इसे थोड़ा सा गेहूं का आटा लगाते हुए पतला बेलते जाना है, काफी पतला होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा। ये देखिए, बिल्कुल पतला है ना, नीचे से दिख रहा है, ये देखिए मेरा हाथ भी दिख रहा है, बहुत ही पतला है। अब इस चाहे तो इसी तरीके से आप बनाते जाएं, पर अगर आपको मार्केट जैसे लगे कि बिल्कुल गोल एक से बने, तो आप इसे किसी भी थाली से या डब्बे के ढक्कन से आप इसे कट करते जाइए बस, और ये जो बचा हुआ आटा है उसे दूसरे में यूज़ कर लीजिए, बहुत ही पतले पतले हैं। घर में अगर कोई दूसरा भी मेंबर हो तो एक जना बेलता जाए, एक जना पकाता जाए, बहुत ही फटाफट काम हो जाता है। इसी तरीके से मैं सारे बेल लेती हूँ। अब आपको लेना है एक कपड़ा, जब आप पकाने चलें तो आपको एक कपड़ा चाहिए, और या फिर अपने पास एक रोटी के ऊपर जो हम सेकते हैं
गुटका टाइप होता है, उससे भी हम इसको खाखरे को बना सकते हैं। दबा दबा के हमें पकाना है। नॉर्मल सा कोई भी तवा ले लीजिए, आयरन का या कोई भी पुराना तवा। फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे ही हमेशा बनाइए। एक आध बार पलटने के बाद इसे दबाइए। यहाँ देखिए इस खाखरे में हल्का सा क्रैक आया है। क्यों क्रैक आया है? कि शुरू शुरू में जल्दी ही मैंने दबा दिया। ये गलती आप बिल्कुल ना करें, एक बार दो बार पकने के बाद ही उसे प्रेस करें। यहाँ देखिए कितना बढ़िया आराम से पक रहा है, कोई मशीन की ज़रूरत नहीं है। दबा दबा के इसे क्रिस्प होने तक पकाइए। अगर तवा बहुत बड़ा है तो दो दो भी एक टाइम में बना सकते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से गोल्डन कलर के निशान आ गए हैं, मतलब स्पॉट्स आ गए हैं। बस ये पक चुका है और ये काफ़ी क्रिस्प है। इसे आप निकालते जाइए, दो तीन मिनट बाद तो और ज़्यादा ये क्रिस्प होता चला जाएगा। मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, आप खुद समझेंगे कि कितना ज़्यादा बढ़िया क्रिस्पी बना है। अगर इलेक्ट्रिक मशीन है तो बस ज़रा ज़रा सा पकाते जाइए और फिर आराम से कहीं भी बाहर बैठ कर इलेक्ट्रिक मशीन में दबाते जाइए, वो भी पकते जाएंगे। जब मैं बहुत क्वांटिटी में बनाती हूँ तब ऐसे ही करती हूँ, मशीन के साथ पकाती हूँ। यहाँ पर पकाते टाइम हमें बिल्कुल एक सिंगल ड्रॉप भी ऑयल नहीं चाहिए। ये आप ट्रैवलिंग में ले जा सकते हैं, जो आप बना के रख सकते हैं। जैसे गर्मियों में पड़े रहें तो कभी भी क्या है, जिसको भूख लगे अचार के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ इसे खाया जा सकता है। चाय के साथ भी ये बहुत पसंद आते हैं। ये देखिए मैंने ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, ज़रूरत ही नहीं है। जो हमने पहले डाला वही काफ़ी था। इसी तरीके से मैं सारे खाखरे बना लेती हूँ, फिर मैं मिर्च की चटनी बनाती हूँ। ये देखिए खाखरे बनते जा रहे हैं फटाफट से, इतने टेस्टी। अब बनाते हैं हम इसकी चटनी। चटनी भी बहुत जल्दी बन जाएगी। ये मैंने लिया है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल ना हो तो कोई और भी ले सकते हैं। ये है मेरे पास मेथी दाना, साबुत मेथी दाना, जिसे मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिया था। ये साबुत है, टूटा नहीं है लेकिन फूल गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है इस अचार में। नींबू का रस निकाल दिया है। 1 चम्मच पीली राई ले ली है जो दरदरी कुट्टी है। 1 चम्मच मैंने सौंफ लिया है, बहुत थोड़ा सा कलौंजी। 1 चम्मच मैंने बारीक वाली राई को ग्राइंड कर लिया है। हींग आप कोई भी ले सकते हैं, पाउडर वाली ले सकते हैं या हींग का पानी ले सकते हैं। ये मिर्च मैंने कूटी ली थी, बाकी इसमें बस नमक और हल्दी डलेगा। इस ऑयल में डाल देते हैं पहले सौंफ, इसमें डाल रहे हैं राई। अब ये जो लाल वाली राई होती है, बारीक वाली, वो डाल दी थी। इन तीनों को ही थोड़ा सा पका लेते हैं। जो मिर्च खाने के शौकीन होते हैं उन्हें ये मिर्च बेहद पसंद आने वाली है। और हरी मिर्च हमें गर्मियों में खानी भी चाहिए, लाल मिर्च से ज़्यादा हरी मिर्च अच्छी होती है। एक कुटी हुई सारी हरी मिर्च इसके अंदर डाल दी मैंने। इसे हम मिर्च का कूटा भी कहते हैं। अब इसमें जो मैंने मेथी दाना भिगा के रखा था वो भी डाल दिया। ये हींग का मैं पानी डाल रही हूँ। अगर हींग डालते तो वो पहले ही ऑयल में डाल सकते थे। अब ये लिया है मैंने हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये अगर है तो डालिए, वरना कोई बात नहीं। आप मिर्च तो वैसे भी मिर्च हैं, आप नहीं डालिए। और स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक। अब इन सबको आप अच्छे से पका लीजिए। बहुत थोड़ा सा कलौंजी, इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखिए जिससे अच्छे से सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट बाद हम डाल रहे हैं इसमें नींबू का रस। अगर आप नींबू का रस नहीं डालना पसंद करते तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और फिर 1 से 1.5 चम्मच अमचूर डाल दीजिए। लीजिए तैयार हो गया मिर्च का कूटा। ये मिर्च का कूटा, ये मिर्च का इंस्टेंट अचार इस खाखरे के साथ बेहद पसंद आएगा। आप इसे थेपले के साथ भी खा सकते हैं।
ये देखिए खाखरा तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, कितनी भी बार आप इसको तोड़िए, यहाँ पर तोड़ के चूरा कर रही हूँ, इसकी आवाज़ सुनिए, आ रहा है ना मज़ा? इसी से ही आपको पता चलेगा कि ये खाखरा कितना स्वादिष्ट है और कितना क्रिस्पी है। हमने गेहूं के आटे का बनाया है, जो मार्केट में मिलते हैं हम उठाते हैं और वो टूटते जाते हैं, इसका मतलब ही उसके अंदर मैदा डला हुआ है। तो हम घर में अपने हिसाब से क्यों ना बनाएं, क्यों बिना मशीन के आराम से जब बन जाते हैं तो क्यों इसे घर में ना बनाया जाए। तो कैसे लगे आपको ये खाखरा और मिर्च का कूटा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।